ज्यादा मैं भी मेंटली काफी डिप्रेस हुआ था, काफी एक अंदर से भी थोड़ा बुरा सा लग रहा था उस टाइम पे, काफी मुझे रोया भी था मैं। सो हाय एवरीवन, तो नीट का रिजल्ट आ चुका है। काफी सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि भैया कॉलेज सेलेक्ट करने के बारे में आप कुछ गाइड करो। मैं यहाँ पे कुछ अलग बातें करना चाहता हूँ आप लोगों से जो कि एक्चुअली में मैटर करती है। सबसे पहले तो मैं आपको अपना कुछ बैक स्टोरी देता हूँ कि मैं किस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। मेरी नीट में ऑलरेडी रैंक 223 थी, लेकिन मैंने एक बहुत ही ज्यादा एक नॉर्मल कॉलेज सिलेक्ट किया मेरे जो कि होम टाउन में है, ग्वालियर में, जीआरएमसी ग्वालियर। काफी उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा मैं भी मेंटली डिप्रेस हुआ था कि लाइक खुद मुझे भी होता है यार कि हम इतने अच्छे रैंक लेकर के आते हैं। मेरे कॉलेज के कट ऑफ मेरे मार्क्स से 100 नंबर कम था, तो कि काफी एक अंदर से भी थोड़ा बुरा सा लग रहा था उस टाइम पे, काफी मुझे रोया भी था मैं। एंड चूंकि वो डिसीजन मेरा नहीं था, मेरे पेरेंट्स का था। मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि नहीं, तुम्हें ग्वालियर में ही रहना है और ग्वालियर से ही तुम्हारे को पढ़ाई करनी है एमबीबीएस की। तो ऐसा मेरा सीन रहा, लेकिन आज के टाइम पे आई डू नॉट रिग्रेट एट ऑल। मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने वो डिसीजन लिया उस टाइम पे। बहुत बुरा लग रहा था उस टाइम पे जब मैंने लिया था, लेकिन आज मैं मानता हूँ कि चाहे उससे ज्यादा फुलफिलिंग और कोई रास्ता नहीं हो सकता था मेरी लाइफ का जो मैं अभी जी रहा हूँ। नाउ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको समझाऊंगा। एंड ये वीडियो प्लीज एंड प्लीज पूरी पूरी देखना। मैं आपको बहुत ही ज्यादा बातें ऐसी बताऊंगा जो एक्चुअली आपके लाइफ के लिए मैटर करती है। तो हम एक कहानी से समझते हैं। तो पिछले साल दिवाली पर मैंने अपना खुद का एक पीसी लिया था प्रॉपर एडिटिंग के लिए, जो कि मेरे को अराउंड 70-80K का पड़ा था, 70-80,000। और जब वो आया था तो मुझे बहुत बढ़िया लगा था। एंड वो उसकी स्क्रीन इतनी बड़ी थी, मॉनिटर ऐसा लग रहा था कि मैं यूज कर भी पाऊंगा नहीं या मुझे छोटी लेनी चाहिए, एंड दीज ऑल थिंग्स। एंड एक साल बाद राइट नाउ मैंने मेरे को उस मशीन की इतनी आदत हो गई, मैंने कहा कि अब ये तो बहुत सिंपल हो गई, अब मेरे को एक और अच्छी मशीन चाहिए। मेरे को ऐसा लगने लगा कि नहीं, अब मुझे और चाहिए, और अच्छा चाहिए। एंड मैंने ले लिया एप्पल का आई मैक। एंड आई मैक लेने के बाद मैंने जितना टाइम अपना वेस्ट किया मुझे नहीं पता, बट मैं बहुत परेशान हो गया था कि क्योंकि मैं एडिटिंग करना चाह रहा था। मैं सोच रहा था थोड़ा इम्प्रूव करूंगा एडिटिंग में। मेरा टाइम इतना चला गया आई मैक को, उसके मैक ओ एस से फेमिलियर होने में, और चीज़ें कनेक्ट नहीं होती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी। तो मुझे अल्टीमेटली अपने पुराने पीसी पे ही जाना पड़ा एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे पे इतना टाइम नहीं होता, ऑब्वियसली मैं भी स्टूडेंट हूँ कि मैं हर चीज़ फिगर आउट करूँ। तो ये पूरा एक्सपीरियंस होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली में मुझे ना जरूरत नहीं थी आई मैक की। एंड मैंने ऐसे ना जो शौक शौक में ले लिया उसको, राइट मतलब कि मुझे और अच्छा होने की जरूरत नहीं थी। मुझे उस पॉइंट ऑफ चीज पे स्टिक होकर के अपने काम पे फोकस करना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ कि अच्छा और अच्छा ले लेता हूँ और अच्छा ले। मुझे अपने काम को और अच्छा बनाना चाहिए था। मुझे वीडियो एडिटिंग का जो मैं स्टाइल है उसे मुझे अच्छा बनाना चाहिए। दिस इज द थिंग, हम लोगों के दिमाग में ना एक पैराडाइम होता है, एक सोचने का तरीका होता है कि अच्छा जितना अच्छा कॉलेज होगा उतनी अच्छी लाइफ होगी, उतना अच्छा मेरे ना फ्यूचर होगा। अच्छा जितना अच्छा कॉलेज मेरे को चाहिए कि मेरे लिए ना ऊपर वाले ने सोच रखा होगा कि इस रैंक पे ना जो बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, बेस्ट टू बेस्ट, वो मुझे चाहिए। तो मैं पूरी दिन रात ना रिसर्च लगा दूंगी कि कौन सा बेस्ट कॉलेज मिलने वाला, और वो जब मुझे मिल जाएगा तो मैं बहुत अच्छा हो जाऊंगा और मेरा सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये हमारे दिमाग में एक पैराडाइम होता है, सोचने का तरीका होता है, लेकिन एक्चुअली में ना ये गलत है। अगर ऐसे ही होता तो फिर जो नीट पीजी के टॉपर होंगे वो तो इन दिल्ली से निकलने चाहिए सारे, और प्राइवेट कॉलेज से तो एक भी नहीं निकलना चाहिए। लेकिन आप देखोगे तो प्राइवेट कॉलेज से भी ऑल इंडिया रैंक्स आती है नीट पीजी। तो एक्चुअली मैटर क्या करता है ये हमें सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं आपको बताऊं तो एमबीबीएस कॉलेज की जो लाइफ होती है ना वो सबकी लगभग बराबर होती है। जो मजे आप करोगे लाइफ वहां पर वो बराबर होंगे। ऐसा नहीं है कि इन दिल्ली वाले को ज्यादा मजा आएगा और बाकी कॉलेज किसी को कम मजा आएगा, नहीं होता है। और फिर आपको मजा और वर्क लाइफ बैलेंस आपको करना पड़ता है कि आपको वर्क भी करना है और मजा भी करना है, दोनों चीजें आपको करनी होती है। देखो सबसे पहला पॉइंट ये है कि किसी भी एमबीबीएस कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। अब ये पॉइंट तुम्हें थोड़ा सा नेगेटिव लगे, हो सकता है बुरा लगे, हो सकता है बोले कि भैया कैसी बातें कर रहे, लेकिन जब तुम जाओगे अपने कॉलेज तो तुम्हें यही फील होगा। अभी तुम्हें भले नेगेटिव लगे तब जाके तुम्हें सच्चाई पता चले। कॉलेज इज सम वॉट कह सकते हैं, एक तुम्हें पर्सपेक्टिव देने के लिए बोल रहा हूँ कि स्कूल जो कि हम 11th 12th में होता है, स्कूल वाले छापते हैं हमारे ऑल इंडिया रैंक आते हैं, स्कूल वाले छापते हैं अरे हमारे स्कूल से आया है, लेकिन हमें पता है हम स्कूल नहीं जाते थे या स्कूल ने कोई रोल प्ले नहीं किया हमारे ऑल इंडिया रैंक के लिए। सिमिलरली क्या होता है कि कॉलेज भी काइंड ऑफ यही होता है, पढ़ाई वहां पे नहीं हो रही है, टीचर्स मोस्टली बेकार होते हैं, कोई एक आध दो अच्छा टीचर मिल जाता है तो मन लगा रहता है कॉलेज में, नहीं तो वो भी नहीं लगे। एंड मेनली आपके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो आपके फ्रेंड जिस टाइप के आप बनाओगे वैसे आप बन जाओगे। चलो सबसे बढ़िया कॉलेज कौन सा है, सबसे बढ़िया कॉलेज कौन सा है, एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली को ही अगर हम ले, मैं गया था वहां पे मैंने देखा एक टॉपर था, उन्होंने कुछ लिख रखा था, एक अपनी एम्स दिल्ली की मैगजीन आई थी, तो उन्होंने लिख रखा था कि वो खुद डिप्रेशन से शिकार हुए थे इन दिल्ली के टाइम, फर्स्ट सेकंड ईयर के टाइम, मुझे याद नहीं है। एंड इनफैक्ट इफ यू विल सी, एक एम्स दिल्ली के ही जो है स्टूडेंट थे
जो कि क्यूरा पर काफी फेमस थे, उन्होंने खुद ने सुसाइड कर लिया था पीजी क्लियर करने के बाद। तो ये सब चीजें क्या एक इंडिकेशन दे रही हैं कि जरूरी नहीं है कि आप बेस्ट टू बेस्ट में भी चले जाओ ना तो भी आप खुश रहो लाइफ। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है हमारी लाइफ में होती है हमारी खुशी, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ना। खुशी कहाँ से आती है इस पॉइंट पे हम बात करें तो खुशी क्या बड़े कॉलेज से आएगी, क्या जितना अच्छा कॉलेज होगा उतनी ज्यादा खुशी आएगी? खुशी तो तब भी आई थी जब मैंने अपना कंप्यूटर लिया था 70,000 का 80,000 का, लेकिन फिर उसके बाद जब 5-6 महीने बीते वो मेरे लिए नॉर्मल हो गया, फिर 5-6 महीने बीते वो मेरे लिए सबसे बकवास मशीन हो गया। मैंने कहा नहीं अब और अच्छा चाहिए मुझे, और अच्छा लेने गया मैं तो मैंने बढ़ गया, मैं वापस अपने उस पर ही आ गया और वही मुझे अच्छा लगने लगा। तो क्या हुआ, खुशी तो ये वेरी कर रही है। आज आप जिस कॉलेज में हो आप जाओगे तो आपको शायद हो सकता है अच्छा लगे, हो सकता है बेकार लगे, वेरी। बट अगर मान लो आपको अच्छा भी लगता है तो भी आपको होगा कि 5-6 महीने बाद तो आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा, अरे बेकार क्या मजा नहीं आ रहा, कई चीजें कमी होंगी आपके कॉलेज में ऑब्वियसली। तो फिर आप क्या करोगे, दुख बनाओगे, क्या होगा? खुशी जो होती है वो आती है कुछ अलग ही चीजें होती हैं उनसे, वो कॉलेज से नहीं आती है। ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जिस भी कॉलेज में आप जाओ उससे नहीं आती खुशी। किससे आती? अच्छा, खुशी क्या आईफोन लेने से आती है? कह सकते हैं आईफोन लेने से भी आती है, लेकिन कितने दिन के लिए आती है? 2 दिन 3 दिन 1 महीना 1 हफ्ता 2 महीने के बाद तो शायद तुम्हारे लिए वो बहुत नॉर्मल चीज़ हो जाएगी। तुम सोचोगे अरे नहीं अब आईफोन तो है ही, अब तो मुझे चाहिए, अब मुझे चाहिए वो मर्सिडीज, तभी हो पाएगा काम। तो वो खुशी तो आई तुरंत चली गई, मर्सिडीज भी आ जाएगी, फिर तुम्हें और कुछ चाहिए होगा, तो एंडलेस है। तो खुशी कहाँ से आती है? खुश आदमी तभी रहता है, 3 चीज़ें होती हैं, क्रिएटिविटी, कंट्रोल और इम्पैक्ट। क्या? क्रिएटिविटी, कंट्रोल और इम्पैक्ट। क्रिएटिविटी मतलब आप जो काम कर रहे हो उसमें आपकी क्रिएटिविटी हो, आपको कोई सेट ऑफ रूल्स से नहीं चलना पड़ रहा। सेकंड कंट्रोल है, आप जो काम कर रहे हो आप जब करना चाहो तब कर रहे हो, नहीं करना चाहो नहीं कर रहे हो। थर्ड इज इम्पैक्ट, आप जो काम कर रहे हो ना उससे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट आ रहा है। सो वीडियो कट हो गई थी तो मुझे फिर से शूट करना पड़ रहा है। सो हम बात कर रहे थे क्रिएटिविटी, कंट्रोल और इम्पैक्ट की। सो इंस्टेड ऑफ चूजिंग अ बेस्ट कॉलेज वी शुड चूज दीज 3 थिंग्स, बिकॉज दीज 3 थिंग्स आर द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्रिएटिविटी होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, इम्पैक्ट होना चाहिए, ये बेसलाइन बनाती है हमारी हैप्पीनेस का। इसके बाद कुछ अपने को मिल रहा है, इसके बाद हाँ आईफोन है, हाथ में मर्सिडीज है, बैंक बैलेंस है तो ठीक है, लेकिन ये अगर ये 3 चीज़ें नहीं है और फिर वो सब होगा भी ना तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो दिस इज द थिंग, इंस्टेड ऑफ सर्चिंग वॉट विल बी द बेस्ट कॉलेज एट दिस एक्स वाई जेड रैंक, यू शुड ऑल्सो सर्च वॉट विल बी द बेस्ट लाइफ। एंड जब आप ये सर्च करोगे यू विल नॉट हैव टू राइट योर एक्स वाई जेड रैंक। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक्स। अगर आपको मेरी इस तरीके की इंफॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग स्पीचेस अच्छी लगती है देखना, देन यू कैन ऑल्सो वॉच माई दिस वीडियो ऑन ड्रैगिंग इन मेडिकल कॉलेज, एंड ऑल्सो अ वीडियो ऑन वाई आई डोंट ड्रिंक मिल्क विच इज रिलेटेड टू वेगनिज्म, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू शुड मस्ट नो।